طعم الدنيا اتغير، فرحة قلبي بتكبر وبطلتك بتغير، ما أحلك يا رمضان. أنا دايما بستنى على قلبي ما أغلى، يا رب بلغنا طول ريحته طلت رمضان. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है कि एक बार फिर रमज़ानुल मुबारक अपनी रहमतों और बरकतों के साथ हम पर साया फगन है। रमज़ानुल मुबारक अल्लाह ताला की ख़ास नेमतों में से एक नेमत है। ये वो मुबारक महीना है जिसमें कुरान पाक नाजिल हुआ। तो आइए देखते हैं कि इस महीने से हम किस किस तरीके पर फ़ायदा उठा सकते हैं। ख़ुसूसी तौर पर हमें कौन से काम ऐसे करने चाहिए कि जिससे हम इस महीने से सही तौर पर फ़ायदा उठा सकें। अगर देखा जाए तो हमारा दीन दो बड़े कामों का मजमुआ है। एक तरफ हमें अपने रब के हुकूक अदा करना है जिसने हमें पैदा किया, जिसने हमें ज़िंदगी जैसी नेमत दी और बेशुमार दीगर नेमतें अता की। हम उसके एहसानमंद हों, उसके हुकूक अदा करें। और दूसरी तरफ उन इंसानों के हुकूक की अदायगी हमारे दीन का एक लाजमी हिस्सा है, जिन इंसानों के साथ हम इस ज़मीन पर रहते हैं, जिनके साथ हमारा दिन रात राब्ता और वास्ता होता है, ताल्लुक़ होता है। और एक इंसान की ज़िंदगी उसी वक्त पुरसुकून और ख़ूबसूरत ज़िंदगी बन सकती है और दूसरी तरफ इस ज़मीन पर बसने वाले इंसानों के साथ अच्छा सलूक करे, एहसान के साथ पेश आए। जो इंसान इन दोनों चीज़ों की तरफ तवज्जो देता है वही इंसान दरअसल एक एतदाल की ज़िंदगी बसर करता है, जिसके नतीजे में इंसान इस दुनिया में भी सुकून पाता है और दूसरी ज़िंदगी यानी आखिरत की ज़िंदगी भी उसकी खुशगवार हो सकती है। हुकूकुल्लाह और हुकूकुल इबाद में तवाज़ुन कायम करना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि अगर कोई शख्स अल्लाह ताला के हुकूक को ज़ाया करता है, यानी नमाज रोज़े से गफलत बरतता है और सिर्फ़ इंसानों की खिदमत करता है तो ये भी काफ़ी नहीं, क्योंकि जिसके हम पर एहसानात हैं हमने उसी का एहसान नहीं माना, तो दूसरे इंसानों पर एहसान करना फिर काफ़ी नहीं। और कुछ लोग ऐसा हैं कि जो हुकूकुल्लाह की अदायगी तो करते हैं लेकिन हुकूकुल इबाद से गफलत इख्तियार करते हैं। तो इन दोनों में तवाज़ुन के लिए टाइम मैनेजमेंट की बहुत ज़रूरत है। अल्लाह ताला ने हमारे ऊपर बहुत एहसान फरमाया कि हमारी इबादत के औक़ात मुकर्रर कर दिए। मसलन नमाज़ों के औक़ात मुकर्रर हैं, रोज़े के लिए एक महीना मुकर्रर है, हज का वक्त मुकर्रर है। तो हम देखते हैं कि अल्लाह ताला ने अपने हुकूक तो बहुत कम हम पे रखे। दिन में 5 औक़ात में नमाज जो पढ़ना होती है वो उनके औक़ात इस मुनासिब तरीके से रखे गए हैं कि हमारे लिए कुछ भी बोझ नहीं है। दिन का एक बड़ा हिस्सा सुबह का वक्त काम के लिए रखा गया। शाम में नमाज़ों के औक़ात करीब करीब हैं लेकिन उसमें भी अदायगी कुछ मुश्किल नहीं। हकीकत यह है कि नमाज इंसान को एक स्ट्रेंथ देती है, कुव्वत देती है और उसको मज़ीद तैयार करती है कि वो हुकूकुल इबाद को अच्छी तरह अदा कर सके और सिर्फ़ अल्लाह की रज़ा के लिए अदा करे। और हुकूकुल्लाह की अदायगी के बाद इंसान अपने जहन में हुकूकुल इबाद की फहरिस्त रखे, उसमें उन तमाम अफराद की तरफ तवज्जो रखे जो उसके दायरा कार में आते हैं और उनके लिए भी औक़ात मुकर्रर करे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक और हदीस से हमें पता चलता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें इस बात की तालीम दी है कि हर इंसान के पास कुछ घड़ियाँ ऐसी हों जिनमें वो अपने रब से बात करे, कुछ घड़ियाँ ऐसी हों जिनमें वो इंसानों के हुकूक अदा करे, कुछ घड़ियाँ ऐसी हों कि जिसमें वो सीखने सिखाने का काम करे। तो बहरहाल हमें इन दोनों तरफ इक्वली तवज्जो देना होगी और इनके औक़ात की पाबंदी करना होगी। हर शख्स अपनी सहूलत के मुताबिक एक टाइम टेबल बना सकता है। तो आइए देखते हैं कि इस महीने में करने के काम क्या हैं। सबसे पहले हुकूकुल्लाह, अल्लाह ताला के हुकूक, अपने खालिक के हुकूक की अदायगी में नंबर 1 नमाज है। नमाज दीन का सुतून है। एक मोमिन और काफिर के दरमियान फ़र्क है। नमाज नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नज़दीक आँखों की ठंडक है और ये एक हकीकत है कि इंसान के लिए सुकून हासिल करने का सबसे बड़ा ज़रिया नमाज है, जिसमें इंसान पाक साफ होकर पूरी यकसुई और तवज्जो के साथ अल्लाह ताला के हुजूर हाजिर होकर उसको याद भी करता है और उससे दुआएं भी करता है। और इस महीने में फ़र्ज़ नमाज के अलावा खुसूसी तौर पर नवाफिल का अहतमाम ज़रूरी है, जिनमें खुसूसन रात का क़याम तरावीह की शक्ल में या फिर तहज्जुद की शक्ल में, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मन क़ाम रमदान ईमान व एहतिसाबन गुफ़िर लहू मा तक़द्दम मिन ज़म्बि, जिसने ईमान और एहतिसाब यानी अपना हिसाब करते हुए और अल्लाह ताला से अच्छे अजर की तवक्को रखते हुए सिर्फ अल्लाह की रज़ा की खातिर रात का क़याम किया, अल्लाह ताला उसके पिछले सब गुनाह माफ़ फरमा देंगे। तो इसलिए दिन को रोज़ा और रात को तरावीह की नमाज, नफल नमाज, इसका ख़ास एहतमाम करना बेहद ज़रूरी है। रोज़े और नमाज के अलावा ख़ुसूसी तौर पर इस महीने में कुरान पाक से ताल्लुक़ कायम करना चाहिए, क्योंकि ये वो महीना है जिसमें कुरान पाक नाजिल हुआ। शहर रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िल फ़ीहिल कुरान, रमज़ान वो महीना है जिसमें कुरान पाक उतारा गया है। लिहाजा कुरान पाक से मुख्तलिफ़ तरीक़े पर आप ताल्लुक़ कायम कर सकते हैं, मसलन तिलावत के ज़रिए, रात को तरावीह में सुनकर, यानी आप ऐसी जगह पर तरावीह पढ़ें जहाँ कोई अच्छा कारी ख़ूबसूरत अंदाज़ में क़िरात करता हो, यानी ख़ुद तिलावत के अलावा कुरान का सुनना भी एक इबादत है और ख़ुसूसन नमाज के अंदर उसका पढ़ना और सुनना आम क़िरात से ज़्यादा अजर व सवाब का बायस है, क्योंकि क़यामत के दिन कुरान पाक इंसान के हक़ में सफ़ारिश करेगा और कहेगा कि अल्लाह इसने मुझे क़याम की हालत में पढ़ा। फिर इसी तरह कुरान पाक चूँकि हिदायत की किताब है, इसलिए तिलावत अजर की खातिर और सवाब की खातिर करने के अलावा, बरकत की खातिर करने के अलावा उसका समझना बहुत ज़रूरी है। अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं किताबुन अंज़लनाहु मुबारकुन लियद्दब्बरू आयाति, ये एक किताब है जिसे हमने उतारा है ताकि लोग इसकी आयात में गौर व फ़िक्र करें। वलियतज़क्कर उलुल अलबाब, और ताकि अक्लमंद लोग इससे सबक हासिल करें, नसीहत पकड़ें। दालिकल किताब ला रैब फीह हुदल लिल मुत्तकीन, ये किताब जिसमें कोई शक नहीं मुत्तकी लोगों की हिदायत के लिए आई है, ये एक गाइड बुक है। लिहाजा इस महीने में हमें कुरान पाक को समझकर पढ़ने की भी कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि इबादत का महीना है और इल्म का सीखना सिखाना बेहतरीन इबादत है, क्योंकि एक आलिम को आबिद पर फजीलत हासिल है। तो रोज़े की हालत में जहाँ आप इबादत की तरफ तवज्जो देते हैं, वहाँ अफजल तरीन इबादत कुरान के सीखने और सिखाने की तरफ भी तवज्जो कीजिए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमहु, तुम में बेहतरीन हैं वो लोग जो कुरान सीखें और सिखाएं। लिहाजा जो लोग कुरान जानते हैं, यानी उसका तर्जुमा जानते हैं, उसका मफहूम जानते हैं, वो ऐसी मजलिसें कायम करें कि जिसमें दूसरे लोगों तक कुरान का पैगाम पहुँचा सकें। और इसी तरह जो लोग नहीं जानते, वो ख़ास तौर पर ऐसे उलमा और ऐसे लोगों के हलकों में हाजिर हों और वहाँ कुरान सीखें, ताकि उनकी ज़िंदगी में भी कुरान की खैर व बरकत नज़र आए, क्योंकि अल्लाह ताला इस किताब के ज़रिए कुछ कौमों को बुलंदी अता करते हैं और कुछ कौमों को ज़लील व रुस्वा कर देते हैं। तो कुरान जैसी नेमत के होते हुए अगर कोई शख्स इस रहमत और बरकत से फ़ायदा नहीं उठाता तो वो ख़ुद अपना नुकसान करता है। और रमज़ानुल मुबारक कुरान की तरफ रुजू करने के लिए एक बेहतरीन महीना है। कुरान पाक के साथ ताल्लुक़ के अलावा ख़ुसूसी तौर पर दुआओं का अहतमाम करना चाहिए। रोज़े की हालत में दुआ कबूल होती है, सहरी के वक्त दुआ कबूल होती है। उमूमन हमारे यहाँ इफ्तार का तो बहुत अहतमाम किया जाता है, लेकिन सहरी की तरफ ज़्यादा तवज्जो नहीं दी जाती। आपने फरमाया सहरी किया करो, क्योंकि सहरी करना बाबरकत है, सुहूर में बरकत है। और फिर वैसे भी देखिए कि सहरी के वक्त दुआएं कबूल होती हैं। अहले ईमान की खुसूसी सिफत बताई गई, वबिल असहार हम यस्तगफिरून, उस वक्त इंसान अगर सहरी की तैयारी के लिए उठता है और साथ साथ ज़िक्र करता है, मसलन आप खाना लगा रहे हैं, आप बर्तन उठा रहे हैं, आप तैयारी कर रहे हैं, किसी भी तरह साथ साथ अल्लाह ताला का ज़िक्र भी कर सकते हैं और खुसूसन इस्तिग़फ़ार कर सकते हैं। तो वो मौका और वक्त जो है वो बहुत बाबरकत होता है। और सहरी के साथ जो रोज़ा रखा जाता है वो कहीं ज़्यादा बेहतर है बनिस्बत उस रोज़े के जो बग़ैर सहरी के रखा जाए। इफ़्तार के वक्त दुआ कबूल होती है। एक हदीस का मफ़हूम कुछ इस तरह है कि इफ़्तार के वक्त की दुआ रद्द नहीं की जाती, इसलिए ख़ुसूसी तौर पर घरों में ख़वातीन अपने बच्चों को, अहल ख़ाना सबको इफ़्तार से पहले दुआ की तरफ मुतवज्जे करें ताकि उन बरकत के लम्हात से फ़ायदा उठाया जाए। इसी तरह कुरान पाक की तिलावत के बाद दुआ कबूल होती है जो आम दिनों के मुकाबले में रमज़ान में ज़्यादा की जाती है। फिर इसी तरह नमाज़ों के बाद, नवाफिल के बाद, यानी बहुत सारे मौक़े आपको रमज़ान में ऐसे मिलेंगे जो दुआ की कबूलियत के होंगे। उन मौक़े से फ़ायदा उठाइए और खूब खूब दुआएं कीजिए और उसमें अपने लिए, अपने अहल ख़ाना के लिए, अपने अहल वतन के लिए, मिल्लत इस्लामिया के लिए और दुनिया भर के इंसानों के लिए खूब खूब दुआएं कीजिए। क्योंकि जब इंसान दूसरों के लिए दुआ करता है तो अल्लाह ताला उस शख्स के लिए फ़रिश्ता मुकर्रर कर देते हैं जो आमीन कहता है और साथ उस शख्स के लिए दुआ करता है जो किसी दूसरे के लिए दुआ में मशगूल होता है। और वैसे भी किसी के लिए गायबाना तौर पर दुआ करना जो है वो भी एक कबूलियत का बायस बनता है। इसी तरह फिर नमाज, तिलावत, दुआ, इन चीज़ों के अलावा सदका खैरात की तरफ ख़ास तौर पर तवज्जो देने की ज़रूरत है। और ख़ुसूसन अगर रमज़ान के महीने में ज़कात अदा की जाए जो साहिब निसाब लोग हैं, तो वो आम महीनों के मुकाबले में इस महीने में अदायगी की वजह से ज़्यादा अज्र व सवाब पा सकते हैं। और याद रखिए कि ज़कात इस्लाम के फ़राइज़ में से एक अहम फरीज़ा है। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हों ने उन लोगों के ख़िलाफ़ ऐलान जंग किया जो कलमा पढ़ते थे लेकिन उन्होंने ज़कात देने से इनकार किया था। कुरान पाक में 82 मकामात पर नमाज के साथ ज़कात का ज़िक्र भी आया है। ये एक अहम फरीज़ा है और ये हकीकत है कि अगर मालदार लोग अपने माल में से सही तौर पर ज़कात निकालें तो इस मुल्क में कोई गरीब नज़र ना आए। ये दूसरों का हक है जो अल्लाह ने मालदार लोगों के माल के अंदर रख दिया है। अब उनकी आजमाइश है कि वो इस हक को हकदारों की तरफ लौटाते हैं या नहीं। तो आप ज़कात उस वक्त निकालेंगे जब आपका साल पूरा हो जाएगा, यानी हिजरी कैलेंडर के मुताबिक। मसलन अगर आपने मुहर्रम में कुछ सोना ख़रीदा जो कि निसाब की हद को पहुंचता था, तो उस सूरत में आपकी ज़कात अगले साल मुहर्रम की उस तारीख़ को ड्यू हो जाएगी, यानी आपको अदा करना होगी। अब ज़रूरी नहीं कि आप रमज़ान तक 8-9 महीने इंतज़ार करें और ज़कात रोक के बैठे रहें और फिर आप रमज़ान में भी पूरी नहीं अदा करें और फिर साल भर थोड़ी थोड़ी अदा करें, तो ये दुरुस्त नहीं होगी, ये बात दुरुस्त ना होगी। इस सिलसिले में हुक्म यह है कि जब साल पूरा हो तो आप ज़कात निकाल दें, क्योंकि ज़कात का माल अगर आपके माल में शामिल हुआ तो आपके माल को भी नुकसान पहुंचा सकता है। ज़कात की अदायगी दरअसल माल की सफाई और तत्हीर का ज़रिया है। उसके लिए आप इन एडवांस, यानी मसलन आपकी अगर ज़कात मुहर्रम में ड्यू है और आप अगले मुहर्रम तक साल में पहले ही थोड़ी थोड़ी अदा करते रहें, तो वो ज़्यादा बेहतर है बनिस्बत इसके कि आप साल भर गुजर जाए और लोगों का पैसा आपके माल में बाकी रहे और आप रमज़ान का इंतज़ार करते रहें। तो सूरत में ये दुरुस्त ना होगा। हाँ, ये है कि आप रमज़ान में इन एडवांस ज़कात दे दें और मुहर्रम में जब आपकी ड्यू हो तो उस वक्त तक आप अपने फरीज़े से फारिग हो चुके हों, तो ऐसा किया जा सकता है। बहरहाल उन लोगों के लिए कुरान पाक में सख्त वईद भी सुनाई गई कि जो सोना चांदी जमा करते हैं और उसे अल्लाह के राह में ख़र्च नहीं करते। लिहाजा इस महीने में अल्लाह ताला से पिछले गुनाहों की तौबा इस्तग़फ़ार करते हुए ख़ुसूसियत के साथ अपने फ़राइज़ की अदायगी की तरफ तवज्जो देना ज़रूरी है। और इसी तरह अगर हैसियत हो, तौफ़ीक हो, तो रमज़ान में अगर उम्रा किया जाए तो वो भी एक बेहतरीन नेकी है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रमज़ान के उम्रे को अपने साथ हज के बराबर करार दिया, यानी जैसे कोई शख्स नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हमराई में हज अदा कर रहा हो। यानी इतना अजर व सवाब का काम बताया। फिर इसी तरह आखिरी अशरे को खुसूसी तौर पर इबादत में गुजारिए। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमज़ान में जहाँ इबादत करते, यानी पहले दो अशरों में, वहाँ ख़ास तौर पर आखिरी अशरे में खूब खूब इबादत करते, ख़ुद भी जागते, अपने अहल खाना को भी जगाते, क्योंकि इस आखिरी अशरे की रातों में से एक रात में लैलतुल क़द्र होती। और जैसा कि कुरान पाक में आता है, वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फ शहर, तुम क्या जानो कि ये लैलतुल क़द्र क्या है, ये 1000 रातों से बेहतर है। लिहाजा इस रात की ख़ास तौर पर तलाश करनी चाहिए, उसका अहतमाम करना चाहिए। उस रात में जो भी शख्स अल्लाह से सवाब की उम्मीद रखते हुए क़याम करेगा, अल्लाह ताला उसके पिछले सारे गुनाह माफ़ फरमा देंगे। और अगर तौफ़ीक हो तो आखिरी अशरे में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर अमल करते हुए एतिकाफ़ का अहतमाम भी करना चाहिए। अल्लाह ताला से दुआ है कि वो हमें बेहतरीन नेकियों की तौफ़ीक दे और इस रमज़ान को हमारी बख्शिश का ज़रिया बना दे और हमें पिछले गुनाहों के कफ़ारे की तौफ़ीक अता कर दे। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इसके साथ ही हमारे आज के प्रोग्राम का वक्त ख़त्म होता है। इंशाअल्लाह अगले प्रोग्राम के साथ हाज़िर होंगे। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।